इसी देश में भारत में दिल्ली में एक 9 साल की बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसको जान से मार दिया जाता है। ये सब कुछ हुआ दिल्ली के कैंट थाने के पुराने नांगल इलाके में। माँ बाप का कहना है कि उन्हें बिना बताए बेटी का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें शमशान घाट का पुजारी भी शामिल है और उसी शमशान घाट में ही उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पूरे इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी आज कैंट पहुंचे दिल्ली में। वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे हाथरस के मामले को वो एक निर्णायक मोड़ तक ले गए थे, वैसे ही इस मामले में भी वो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें। लोगों ने दिल्ली का पंखा रोड बंद कर दिया है और यहीं धरने पर बैठ गए हैं। गांधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गांधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुस्सा 9 साल की बच्ची की मौत को लेकर है। बच्ची के घर वालों के मुताबिक रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्ची इसी शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी भरने गई थी, लेकिन शाम करीब 6:30 बजे शमशान घाट के पुजारी ने उन्हें बताया कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है और जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें घटना की जानकारी रात 10:30 बजे मिली। बच्ची के अधजले शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की और वाटर कूलर की जांच कराई। बिजली विभाग की टीम ने भी वाटर कूलर की जांच की। पंडित है जो हमेशा लाशों को जलाता है, कभी कोई लाश को उल्टा जलाएगा, ये जो लड़की है इसके शव को उल्टा जलाया गया ताकि उसके अवशेष मिट जाएं, जो उसके साथ रेप हुआ है वो सब मिट जाए। पहले पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन जब SC/ST कमीशन ने मौके का दौरा किया तो उनके कहने पर पुलिस ने रेप, हत्या, सबूत मिटाने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुजारी लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम, सलीम और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि FIR लिखवाते वक्त या जज को दिए गए बयान में घरवालों ने रेप और हत्या की बात नहीं कही थी। खुल के बाद जब उन्होंने कही तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है और जिसके आधार पर हम लोगों ने पॉक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506 वो भी इसमें शामिल कर दिए। और क्योंकि केस संगीन है, SC/ST एक्ट भी है, तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है हम लोगों ने ACP को ये केस हैंड ओवर कर दिया है, ACP DIO को, जो निष्पक्ष इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं ये मामला राज्यसभा में भी उठा और भीम आर्मी के चीफ बच्ची के घर वालों से मिलने आए। जो यूपी में दोहराया जा रहा है वो दिल्ली में दोहराया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ है, क्यों नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार के बीच में, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहाँ है, इनकी नाक के नीचे हो रहा है, तो कहाँ है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का काम नेताओं की सुरक्षा करना है? बच्चों की सरकार सुरक्षा कौन करेगा? बहनों की सुरक्षा कौन करेगा? दुख है कि दिल्ली में ये हो रहा है। पूरे मामले को हमारी टीम, जो लीगल टीम है, हमारी एडवोकेट लॉयर टीम है, वो लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में। लोगों का ये कहना है कि ये वारदात हाथरस की जघन्य घटना की याद दिलाती है। दिल्ली पुलिस ने उन सभी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस की तकनीकी जांच में क्या कुछ निकल पाता है, लेकिन बच्ची की मौत से सड़कों पर गुस्सा भी है और कई सवाल भी। नई दिल्ली से कैमरामैन